हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, मैं ज्योग्राफी के वीडियोस लेके आ रही थी, हम भारत का भूगोल देख रहे थे। और आज मैं भारत के भूगोल में जलवायु के बारे में बात कर रही हूँ। आज आपके साथ जलवायु शेयर करूँगी कि भारत का जलवायु कैसा है और भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और आगे आने वाले वीडियो में हम भारत के जलवायु को और विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए, अब जलवायु की बात आती है तो जलवायु क्या होता है, पहले तो ये देखें कि मौसम और जलवायु जो है वो एक है या अलग अलग है, जलवायु क्या होता है। तो जलवायु जो है वो किसी भी स्थान या देश को लंबे समय के जो तापमान है, वर्षा है, जलवायु वायुमंडलीय जो दबाव है, या ऐसी जो परिस्थितियां बनती हैं, पवनों की दिशाएं हैं और पवनों का वेग, और इन सब का जो टोटल अध्ययन होता है वो होता है जलवायु। मतलब जलवायु एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। किसी भी देश का जो लंबे समय तक वहाँ जो वर्षा हो रही है या हवा का वेग है या विभिन्न परिस्थितियाँ, वातावरणीय परिस्थितियाँ, वायुमंडलीय परिस्थितियाँ बन रही है, उनको हम जलवायु में गिनते हैं। तो मौसम क्या है? मौसम एक छोटा कॉन्सेप्ट है। मौसम जो होता है वो वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था है, घंटे भर में भी बदल जाता है कि अरे आज तो मौसम बदल गया, बहुत गर्म है, एकदम से गर्मी बढ़ जाती है और आधे घंटे बाद तेज़ हवा चलने लगती है और फिर बारिश हो जाती है। ये मौसम का परिवर्तन है। तो मौसम जो है वो एक छोटी कॉन्सेप्ट है और कुछ ही क्षणों में मौसम बदल जाता है, मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जबकि जलवायु है वो लंबे समय तक नहीं बदलती है। और जलवायु का बदलाव जो है बरसों में जाके होता है। जैसे भारत की जलवायु जो है वो उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है ना। तो भारत में अब आपको पता चली गया कि किस तरह की जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है, या शीतोष्ण जलवायु कह सकते हैं, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है भारत उससे थोड़ा ऊपर है 8 डिग्री, और उससे ऊपर चलते चलते तो जो भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं या उनके नज़दीक के जो प्रदेश हैं वहाँ तो गर्मी रहती है, और जो ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ते हैं वहाँ मौसम ठंडा होते जाता है और समय के साथ ऋतु चक्र बदलता है। तो जो ये है भारत का जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण या शीतोष्ण जो जलवायु कही जाती है, मानसूनी जलवायु है, ठीक है। अब ये मानसून कहाँ से आया वर्ड? ये एक अरबी भाषा का शब्द है मौसिम, उससे मानसून या मौसम शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब मौसम जो शब्द है उर्दू अरबी का, उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है पवनों की दिशा के अनुसार मौसम का बदल जाना। अब भारत का जो जलवायु है, मौसम है, वो कैसे बदलता है? वो भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से हवाएं बहती हैं, उन हवाओं की दिशाओं में ऋतु के साथ साथ परिवर्तन होता है। कभी उत्तर से दक्षिण की ओर दिशाएं हवाएं आती, जो पश्चिम उत्तरी पश्चिमी हवा, फिर कभी नीचे से हवा आती है तो अरब सागर से आने वाली हवाएं, कभी बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं। तो इस तरह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती हैं वो भारत के मौसम को बदल देती हैं, और वो मानसूनी जलवायु है कि मानसून के साथ साथ जलवायु में उतार चढ़ाव होता है। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? जलवायु ऐसे ही तो नहीं बदल जाता। तो देखिए, आप नोट करते चलिए कि जलवायु को कौन कौन से कारक बदलते हैं। तो लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं, फिर ऑल्टीट्यूड ऊंचाई जो है वो भी जलवायु को बदलती है, फिर समुद्र तल से निकटता, समुद्र पवनों की दिशा, उसके बाद आते हैं वन,
फिर समुद्री जलधाराएं, जहाँ गर्म जलधाराएं, उस आसपास का क्षेत्र गर्म रहेगा, जो ठंडी जलधाराएं उसके आसपास का क्षेत्र ठंडा रहेगा, तो वो मौसम को बदलते हैं। फिर वर्षा, पहाड़, पर्वत और मिट्टियाँ, ये सारे कारक हैं जो जलवायु के परिवर्तन में सहायक रहते हैं सामान्य तौर पे। ये हर देश के साथ है, सिर्फ भारत के साथ नहीं है, ये हर देश के साथ है कि वहाँ समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, पर्वतों की स्थिति क्या है, रेगिस्तान की स्थिति, वहाँ वर्षा कितनी होती है, कब कब होती है, और वन कितने हैं, इन सब चीज़ों का जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली भारत की, कि भारत का जलवायु किन-किन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनसे कि भारत का जलवायु प्रभावित होता है, और वो है भारत की स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है भारत का, विश्व के नक्शे में, ग्लोब पर भारत की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वो कहाँ है, इन सब से परिवर्तित होता है। भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, भूमध्य रेखा से ऊपर है, तो उत्तरी गोलार्ध का जो जलवायु रहेगा वही जलवायु भारत का भी रहेगा, और चूंकि भूमध्य रेखा से ऊपर है तो वहाँ तापमान ऊंचा रहता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, कर्क रेखा है, कर्क रेखा में जब सूर्य की गर्मी सीधी पड़ती है तो गर्मी होती है, लेकिन जब सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं तो वहाँ ठंड होती, तो ये बदलता रहता है। लेकिन सामान्य तौर पर जो भारत का जलवायु कहा जाएगा वो उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण जलवायु या मानसूनी जलवायु कहा जाता है। फिर है समुद्र तल से दूरी, भारत के समुद्र तल से कितनी दूरी है, भारत तीन तरफ से समुद्र तल से घिरा हुआ है। देखिए, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है, और नीचे जो है वो हिंद महासागर है, तो प्रायद्वीपीय स्थिति बनती है, और इस सब का भारत के जल मानसून पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समुद्र में जो भी उतार चढ़ाव होता है उससे भारत का मानसून पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर आता है उत्तर पर्वतीय जो क्षेत्र है, उत्तर में जो हिमालय है उसका भारत के मानसून पर बहुत फर्क पड़ता है, भारत के जलवायु पर फर्क पड़ता है। ऊपर का देखिए, भारत में जो कर्क रेखा और का क्षेत्र है बीच वाला, वहाँ समय समय पर मौसम बदलता है, गर्मियाँ आती है, बारिश भी होती है, और तेज सर्दियाँ भी पड़ती हैं, लेकिन जो भूमध्य रेखा के नज़दीक का क्षेत्र है वहाँ सर्दियाँ कम पड़ती हैं, वहाँ गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं हिमालय पर्वत की तरफ, वहाँ पर भी ठंड का मौसम ज़्यादा समय रहता है, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मियाँ उतनी नहीं होती। तो ये जो मौसम का निर्धारण है या जलवायु का निर्धारण है, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इन पर भी निर्भर करता है। उसके बाद हम आते हैं भारत की भू आकृति। भारत समतल नहीं है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, मैदान है, और तटीय रेखा क्षेत्र है, हर एरिया का मौसम अलग है, और उसकी संरचना जो है वो भारत को के जलवायु को प्रभावित करती। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भरे वर्षा से भरे क्षेत्र हैं, और हम ऊपर आते हैं रेगिस्तान में, वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो ये जो जलवायु है, ये स्थान का जो भारत की जो आकृति है, ये भारत के जलवायु को बहुत प्रभावित करती है। फिर है मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं जो हैं वो भारत के जलवायु को पूरा पूरा प्रभावित करती है। और उसके बाद आर्द्र वायु संचरण या जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम जहाँ है, जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम एक धारा है जो 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा पर के स्पीड से चलती है, बहती है, और ये पूर्व दिशा में उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर तीव्र गति से बहती है, तो ये भारत के जलवायु को प्रभावित करती है। उसके बाद है विक्षोभ, यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात
और विक्षोभ ये भी भारत के जलवायु को बहुत प्रभावित करते हैं। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो जो खाड़ी प्रदेश है भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें बहता है और उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वहाँ वर्षा का सबसे बड़ा कारण भी वही है, वहाँ के जलवायु को वो प्रभावित करता है, वहाँ के बहुत बड़े भूभाग को, भारत के प्रायद्वीपीय भूभाग को प्रभावित करता है। और उसके बाद आता है पश्चिमी विक्षोभ, फिर है दक्षिणी दोलन, फिर अल नीनो और ला नीनो। ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं वो भारत के जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो आई होप आपको आज का जो मैटर है वो समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आता है, देखिए यहाँ कौन से प्रश्न बनते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, मौसम क्या होता है, जलवायु और मौसम का अंतर बताइए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये एक बड़ा प्रश्न और चार छोटे प्रश्न बनते हैं। आप किसी भी तरह के किसी भी प्रश्नों को अटेंड करने में, उसका उत्तर देने के लिए इस वीडियो के बाद एकदम तैयार हैं, तो आपके परीक्षा की तैयारी में ये बहुत बड़ा हाथ है। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कोपन ने जलवायु वर्गीकरण कैसे किया है। तो फिर मिलेंगे, टिल देन आप पढ़ाई कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।